हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के 3 हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं या फिर कुछ लोग जानते होंगे। बट दोस्तों, आपको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनीर और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हिडन फीचर है वो है कैमरे को लेकर। दोस्तों वहां पर क्या हो गया, आपको अगर कोई बस फोटो खींचनी है या फिर बोल सकता है आपको कंटिन्यू कोई को फोटो को खींचना है, तो वहां पर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आपको वहां पर फोटो खींच सकते हैं। बस फोटो आपको करना क्या होगा, आपको कैमरे को ओपन करना है, उसके बाद जो ये वाला जो शटर बटन है आपको नीचे की तरफ पुश करना है। जितनी देर आप नीचे की तरफ पुश करेंगे उतनी देर फोटो खींचती जाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये काउंटिंग दिख रही है, जितनी बार आप उसको नीचे करते जाएंगे यहाँ पर आप फोटोज खींच क्लिक कर पाएंगे। आप देख रहे हैं ये फोटो क्लिक हो रही, मैक्सिमम आप 30 फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही वहाँ गैलरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 30 का निशान मिल जाएगा, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी फोटोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप तो फोटो क्लिक होने के बाद आपको ऐसे दिख जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको GIF के फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। पूरी जितनी भी आपने बस फोटो खींची होंगी ऑटोमेटिक वहां पर अरेंज हो जाएंगी और आपका GIF के फॉर्म में आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हिडन फीचर यही है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते थे बस फोटो कैसे खींचते हैं, तो आप इसके थ्रू यहाँ पर बस फोटो खींच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड बताने वाला हूँ, वो भी बहुत कमाल का है, वो है विजार्ड्स को लेकर। दोस्तों आप देखो, जब भी आप मोबाइल को लॉक स्क्रीन करते हैं, लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइम पे क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे विजार्ड्स आपको मिल जाते थे जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब आप इन विजार्ड्स को आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, आप पे जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया है, आपको इस पर डबल बार टैप करना है। डबल बार टैप करने के बाद आप ये नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपके जितने भी यहाँ पर विजार्ड्स है आपको सब यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ऑलवेज ऑन वाले डिस्प्ले पे भी। तो सेकंड फीचर ये है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड बताने वाला हूँ वो भी बहुत कमाल का है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो थर्ड फीचर ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा कोई है, जैसे मान लो आपने कोई मोबाइल को ऐसी जगह रखना है कोई जिसको यूज ना कर ले, कोई दूसरा यूज ना कर ले, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है, आप देखेंगे, लॉकडाउन मोड। ये आपके मोबाइल में अभी आ नहीं रहा होगा, इसको इनेबल करना पड़ता है लॉकडाउन मोड। इसमें होता क्या है, जैसे ही मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो मेरे मोबाइल में फेस अनलॉक और आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक और जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी सब हाइड हो जाएंगी, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगी, चाहे आपकी लॉक स्क्रीन पे हो चाहे आप AOD वाले डिस्प्ले पे हो, मतलब कहीं भी आपकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखने वाली। और जब भी आपको अपने मोबाइल को अनलॉक करना होगा आपको अपने पासवर्ड या पिन के थ्रू ही इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत काम का है, जब भी आप कहीं मोबाइल छोड़ते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये फीचर, ये एक ही बार काम करता है, आपको दोबारा अगर आपको मोबाइल को लॉक करना हो तो आपको इनेबल करना होगा। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद सिक्योर लॉक सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर अपना पिन या पासवर्ड जो भी डाला हुआ डालना है और वहां पर आपको मिल जाएगा, नीचे मिलेगा शो लॉकडाउन ऑप्शन, लास्ट में आपको दिख रहा होगा शो लॉकडाउन ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, स्क्रीन के आने के बाद जितनी भी नोटिफिकेशन होगी सब हाइड हो जाएंगी और आपके पासवर्ड पूरे, मतलब जो भी आपका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये अनलॉक आपके जो भी आपका फोन का पासवर्ड पैटर्न होगा उसके थ्रू ही अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कोई भी उसका यूज ना कर सके। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है दोस्तों, ये 3 हिडन फीचर बताया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।